कब तक आखिर ऐसे घर में बिठा करके रखेंगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं कहीं जा रही हूँ। हो सकता है अभी ठीक ठाक चल रहा हो, बाद में फिर पेट का सवाल है, खाना तो पड़ता है ना। मुस्कान तेल लगा रही है, मुस्कान को मैं बोली खिलाओ लगा देते हैं, लेकिन मुस्कान बोली कि नहीं आज हम खुद लगाएंगे, और अच्छे से लगा रही है, घुसा घुसा के हाथ लगा रही है। आज हेयर वॉश करना है इसलिए अभी उठी है, तेल लगा रही है। अभी नहीं उठी है, हो गया आधा घंटा। खूब अच्छे से तेल लगा रही है, पूरा लगाई अच्छा से नीचे जड़ में लग रहा है, अच्छा से लगा के थोड़ा सा मालिश करना, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई चैनल। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, और आज का मौसम है कि आज धूप निकला हुआ है, हल्का हल्का सा हवा भी चल रहा है, बहुत सुहाना सा लग रहा है, और मेरा आँख फुला फुला हुआ सा है। थोड़ा सा मौसम का असर है क्योंकि अभी दो तीन दिन से कंटिन्यू बारिश हो रहा है। और आज मैं सुबह सुबह ही पूरा आंगन में झाड़ू लगा ली हूँ, जो सबसे लास्ट में मैं करती हूँ वो काम मैं आज सुबह सुबह में कर ली हूँ। पूरा आंगन मेरा साफ है, देखिए पूरा मैं झाड़ू उड़ू का लगा ली हूँ, और सारा इधर से लेके इधर तक, यहाँ चींटी देखिए, चींटी कहाँ से आ रहा है। आज मैं बड़ा सरापत से झाड़ू लगाई हूँ, एक भी घास मैं नहीं निकाली हूँ, इसीलिए आज मैं सुबह सुबह में झाड़ू लगा दी हूँ, क्योंकि मुझे घास नहीं निकालना था, थोड़ा सा डर हो गया सांप को देख करके, इसीलिए मैं इधर उधर में कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और मिट्टी भी देखिए बहुत गीला गीला है, पूरा मिट्टी गीला है बिल्कुल, इसलिए मैं कहीं पे घुसी ही नहीं हूँ, क्योंकि भी मैं घुसती तो पूरा गीला हो जाता, और बाद का चक्कर में हो क्या जाता है कि बारिश हो जा रहा है दो तीन दिन से, इसीलिए मैं चुपचाप से मैं झाड़ू की हूँ और बस चली गई मैं काम करने। और मैं अब चलती हूँ नाश्ता बनाने के लिए, और अब मैं चलती हूँ नाश्ता बनाने। और मुस्कान यहाँ कर रही है ब्रश, जहाँ करने का तैयारी कर रही है, उसका क्लास है, स्कूल का छुट्टी है, मगर एक्स्ट्रा क्लास जो होता है वो है, और उसके लिए आज उसको जाना है क्लास करने के लिए सेंटर में। तो मैं उसके लिए पहले फ्रूट काटती हूँ, सेब है, अनार है, और कल मैं नाशपाती लेकर के आई हूँ, और एक गाजर बचा हुआ है। बाजार में सिर्फ नाशपाती ही मिला, एप्पल मेरे पास बचा हुआ था और उनके पास उतना खास अच्छा वाला नहीं था, तो मैं एप्पल नहीं लाई, खाली नाशपाती लेकर के आई हूँ। अनार भी पहले से ही था तो मैं इसे काट देती हूँ, उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी। और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ, ये देखिए मैं काट करके रखी हुई हूँ, कॉर्न, कल कॉर्न लेकर के आए थे ना मार्केट से, और प्याज काट करके मैं रखी हूँ। मैं कॉर्न मैगी बनाने वाली हूँ, तो मैं पहले मसाले में फ्रूट दे देती हूँ काट करके। अनार सिर्फ मुस्कान के लिए आता है, मुस्कान को ही सिर्फ मैं अनार देती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ अनार। यहाँ बन गया है कॉर्न मैगी, तो मुस्कान अभी तो क्लास जाना था, तैयार हो रही है, उसके बाद फिर उसको दे देते हैं। फ्रूट तो खा ली है, इसको ढक के रख देते हैं, उसका ड्रेस आयरन करना है, मैं वो चलती हूँ। अभी मुस्कान जाएगी क्लास, मुस्कान का ड्रेस निकाल के रखे हैं, पता नहीं कि कब, कितना हो गया, डेढ़ साल दो साल ड्रेस पहनी नहीं है, पता नहीं छोटा हो जाएगा कि क्या होगा। मुस्कान बड़ी हो गई है, तब तक से देखो तो नाप के देखो तो सही हो रहा है कि नहीं, ठीक हो रहा है लंबाई, देखो इसमें रेड कलर दिखाई दे रहा है ना, ऑरेंज कलर का टी शर्ट है, हाँ अभी तो ठीक हो रहा है। पैजामा पहले आयरन करते हैं, उसका देखते हैं पहने की, तो पता चलेगा कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना दिन के बाद निकाले हैं इसका ड्रेस। मुस्कान हो गई है तैयार, थोड़ा सा पैजामा छोटा हो गया मुस्कान का, और टी शर्ट तो थोड़ा बड़ा ही लिए थे इसीलिए अभी चलेगा, है ना। ऐसे मुस्कान का टी शर्ट चेंज होना है, कॉलर वाला टी शर्ट मिलेगा, है ना। नीचे का लेगिंग्स छोटा हो गया है, नीचे में कुछ भी व्हाइट कलर का होना चाहिए, या स्कर्ट रहे या लेगिंग्स रहे या पैजामा कुछ भी, और ऊपर में वो वहां से मिला हुआ है टी शर्ट, वो पहनना होता है। तो मुस्कान कैसा लग रहा है तुमको? बहुत दिन के बाद जा रही है ना, हमको छोड़ के जा रही है क्लास करने के लिए, है ना मेरा बच्चा। अब मुस्कान जा रही है अपना बैग तैयार करने के लिए, कितना दिन के बाद, पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था फर्स्ट में, तब से नहीं गई थी, ऑनलाइन ही क्लास कर रही थी, अभी जा रही है इतना दिन के बाद। एक तो भेजने के लिए भी बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अभी जैसे कहीं कहीं पे केस बढ़ रहा है, इधर भी थोड़ा बहुत केस मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है, मिला इधर भी केस, तो डर लगता है भेजने के लिए भी,
तो पिछले संडे को भी क्लास था लेकिन पता नहीं था, पिछले संडे तो नहीं गई, इस बार जा रही है। थोड़ा सेफली रहेगी, सैनिटाइजर भी डाल देंगे, उसका मास्क भी प्रॉपर पहने हुए रहेगी। कब तक आखिर ऐसे घर में बिठा करके रखेंगे ना, क्लास हो रहा है तो भेजना जरूरी है ताकि वहाँ अच्छे से सामने से क्लास करेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैम जो भी टीचर पढ़ाते हैं उससे अच्छे से पूछ पाएगी तो अच्छे से समझ में आएगा उसको, तो जाना जरूरी है। मुस्कान अपना बैग तैयार कर रही है, अभी मन्नू लैपटॉप में काम करके अभी गया है, उठ के वो रखा हुआ है। तीनों बुक ले जाना है, एक ही बुक ले जाना है, ले एक ले जाए कि तीन को ले जाए भी पता नहीं है तुमको। अभी मैं दो दिन तीन दिन पहले मैं सारा कुछ सेट की थी, फिर से ऐसे हो गया। मुस्कान का आदत है जैसे देखिए ऐसे अभी खींच के निकाली है, ऐसे निकल गया। बस कितना सेट करें, ये एक्सटेंशन वाला बोर्ड तो मन्नू यूज करते रहता है तो कभी ठीक से रखा हुआ रहता है, कभी ऐसे ही फेंक देता है। मुस्कान यहाँ बैठ के नीचे ही में बैठ गई है मैगी खाने के लिए। मुस्कान मैगी खा रही है, मैं यहीं पे बैठ के लहसुन और प्याज काट रही हूँ। असल में मैं यहाँ इसलिए आ गई हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मुस्कान जा रही है छोड़ के बहुत दिन के बाद। कल मैं जार बनवा के लेके आई हूँ, वही वाला जार में लेके जा रही हूँ, इसको चला करके देखती हूँ। ये पीछे वाला जो ना ये वाला पुराना है, आजकल का जार में ऐसा नहीं रहता है, तो ये एक और जार है इसी का बड़ा वाला, तो इसका भी है यही प्रॉब्लम, लेकिन इसको नहीं बनवाई हूँ मैं क्योंकि मैं सोचती कि पहले एक बनवा करके देख लेती हूँ ये सही से चलता है या नहीं चलता है, बिना मतलब का पैसा क्यों बर्बाद करना अगर नहीं चलेगा तो इसको मैं पहले चला करके देखती हूँ, अगर ठीक ठाक रहा कुछ दिन मैं यूज करके देखूंगी, अगर ठीक ठाक रहा तो मैं दूसरा वाला बनवाऊंगी, या नहीं तो मैं नहीं बनवाऊंगी, बिना मतलब का पैसा क्यों बर्बाद करूंगी। काफी पुराना हो गया, इसका पीछे से पूरा पेंट वगैरह भी जो भी था ये निकल गया है, बहुत चला, बहुत ज्यादा चला है ये, इतना मैं इसको चलाई हूँ ना, दीदी के शादी में पूरा चला है, भैया के शादी में पूरा चला है ये, और घर में जब भी कुछ भी बनाना रहता था, सूखा पिसना हो या गीला पिसना हो, सारा कुछ मैं इस मिक्सी में पीसी हूँ, 20 साल कम नहीं होता है, इतना चला है फिर भी अभी ठीक है। अब मैं इसको चला करके पहले देखती हूँ, मैं यहाँ मशीन भी निकाल करके रखी हूँ लगा कर प्लग में, मैं चला करके देख लेती हूँ कि कैसा चल रहा है। मशीन तो ठीक है, मशीन ठीक ठाक चल रहा है, अब मैं इसे डाल करके देखती हूँ ये ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। कुछ भी मैं नहीं डाली हूँ, खाली है, ढक्कन मैं इसे बंद कर दी हूँ डर के मारे कि अगर कहीं नीचे से खुल गया तो। ठीक चल रहा है, अब मैं इसमें कुछ पीस करके देखूंगी ठीक से पिस रहा है या नहीं पिस रहा, हो सकता है अभी ठीक ठाक चल रहा हो बाद में फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए, इसको अच्छे से पहले टेस्ट कर लूंगी ठीक ठाक है या नहीं, उसके बाद बाकी का बनवाऊंगी। तो फिलहाल मैं इसको रख देती हूँ। मुस्कान चली गई है अपना क्लास, मनु छोड़ कर क्या भी गया, अब मैं थोड़ा बेड वगैरह ठीक कर देती हूँ। मुस्कान उठने के बाद थोड़ा सा सेट की है अपना कम्बल, वहां समेट करके रख दिए तकिया जैसे तैसे लगा दिए, तो मैं इसको सही से मैं लगाती हूँ। अभी बाहर में हो रहा है बारिश, हल्का हल्का सा भी शुरू हो गया है, ज्यादा नहीं हो रहा है, और सिर्फ टावल है छत में मैं दी थी, अंधेरा दिख रहा है ना, बंद है दरवाजा इसलिए अंधेरा दिख रहा है, मैं छत में टावल दी हूँ तो मैं वो लेकर के आती हूँ। अभी मतलब कि दो चार बूंद जैसा गिर रहा है, ज्यादा नहीं गिर रहा है, हल्का बूंदा बांदी हो रहा है, हल्का हल्का सा गीला है टावल, मन्नू का टावल तो सूख गया है, हम लोगों का टावल थोड़ा थोड़ा गीला है क्योंकि हम लोग का थोड़ा मोटा मोटा है इसीलिए गीला है अभी। ओह गिर गया, यहाँ सामने वाले घर में ढलाई हो रहा है, यहाँ से लग रहा है कि काफी दूर है लेकिन दूर नहीं है, सामने में ही है फोकस कर दी हूँ मैं, यहाँ ढलाई हो रहा है, यहाँ लगभग सारा घर, ये वाला घर भी अभी बन ही रहा है, ये तो ढलाई हो गया, फिनिशिंग हो रहा है, बाकी लोगों का सारा का घर ऐसे ही है, सब कोई एक साल पहले का बना हुआ है, कोई दो साल पहले। और बारिश शुरू हो गया है, पूरा मेरा मुंह में छींटा मार रहा है, अंदर आ रहा है, मुझे अंदर जाना पड़ेगा, एक बारिश का पानी अंदर घुस रहा है,
अंदर बंद नहीं करूंगी ना तो पूरा अंदर तक पानी आ जाएगा। पूरा हवा से दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा था, हवा लग रहा है। चलती हूँ मैं नीचे। अब हम लोग खाना वाना खा लिए है, सारा काम हो गया है, निपट गया है। और मैं सोची कि मैं थोड़ा सा अब सोती हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं जब लेटने के लिए गई तो बादल गरजने लगा, हवा भी चल रहा था। मैं जल्दी से उठ करके मैं सोची पहले जो टॉवल है बाहर उसको मैं अंदर करती हूँ, उसके बाद फिर जो करना होगा करूंगी। इधर का भी लाइट जल रहा है, मतलब का लाइट जल रहा है, वहां पढ़ाई कर रहा है। मुस्कान भी यहाँ पढ़ाई कर रही है, लेट के आराम से। अंधेरा है रूम में, लाइट नहीं जल रहा है, इसीलिए अंधेरा दिख रहा है। मुस्कान क्लास करके आ गई। मुस्कान को बहुत मजा आया क्लास में ना मुस्कान? मुस्कान बहुत खुश है। हम खिड़की बंद कर दे क्या? पानी घुस रहा है, बेड भींग जाएगा। पूछ लेते हैं। बारिश हो गया है तेज। अरे यहाँ गाय, बारिश में भी गाय चर रही है। गाय ही है ना? हाँ गाय है। बारिश आ रहा है, वो चल रही है। पेट का सवाल है, खाना तो पड़ता है ना, बिना खाने के तो कोई नहीं रह सकता है। फिर तुरंत बारिश शुरू हो जाता है गरजते गरजते। इधर मेरा मकई, छोटा छोटा सा मकई का बाल निकला है। होगा तो होगा, नहीं तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतना छोटा सा है। थोड़ा लेट भी हुआ लगाने में। मुस्कान को देखा, देखिए हमको ठंडा लग गया। खूब हवा चल रहा है, लीची पूरा डाल छोड़ के जा रही है। बाय बाय।